जैसा कि आपने सुना, स्टार्टर के इस तेज हमिंग साउंड को ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करता है। कई बार तो ऑन बटन दबाते ही इतना तेज घड़घड़ाता है कि मानो अब स्टार्टर ब्लास्ट ही हो जाएगा। इसको ठीक करने से पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये आवाज़ आता कहाँ से है। अब यहाँ ध्यान से देखना, जो भी आवाज़ आता है वो स्टार्टर के इस कॉन्टेक्टर, जिसे बोलचाल की भाषा में झूला भी कह देते हैं, इसके ठीक से कॉन्टेक्ट ना होने के कारण तेज आवाज़ आता है। इसको एक एक्सपेरिमेंट करके समझते हैं। ये एक स्टार्टर है, सबसे पहले इसको मोटर का लोड दिए बिना ऑन करते हैं। आप यहाँ सुन सकते हैं स्टार्टर आवाज़ कर रहा है, और जैसे ही कॉन्टेक्टर को मैग्नेटिक कॉइल की दिशा में स्क्रू ड्राइवर की मदद से आगे की ओर धकेल रहा हूँ तो आवाज़ आना बंद हो गया, और विपरीत दिशा में खींचने पर आवाज़ बढ़ने लग गया। इसका मतलब ये कॉन्टेक्टर झूला पूरी तरह से कॉन्टेक्ट ना होने के कारण आवाज़ आता है। स्टार्टर के इस प्रॉब्लम को दो कंडीशन में डिवाइड किया हूँ। पहला कंडीशन, जब भी कोई स्टार्टर अच्छे से चलते रहता है और उसके किसी भी पार्ट्स को चेंज नहीं किए रहते हैं, फिर भी कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद ऑटोमेटिक तेज आवाज़ आना शुरू हो जाता है। दूसरा कंडीशन, जब भी स्टार्टर की रिपेयरिंग करते हैं या स्टार्टर के किसी पार्ट को चेंज करते हैं, उसके बाद ही तेज आवाज़ आना शुरू हो जाता है, और लाख कोशिशों के बाद भी वह शांत नहीं होता तो बहुत ज़्यादा सिर दर्द लगता है। लेकिन डोंट वरी, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, दानू भाई आ गया है ऐसे सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके। बात करते हैं पहले कंडीशन की, जब भी कोई स्टार्टर अच्छे से चलते रहता है और कुछ दिन बाद अचानक तेज आवाज़ आना शुरू हो, तो ऐसी स्थिति में स्टार्टर के इस कॉन्टेक्टर को स्क्रू ड्राइवर की मदद से बाहर निकाल लेते हैं। ये काम अगर पहले नहीं किए हो तो ध्यान से देखिए, नहीं तो वापस लगाते टाइम इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि स्प्रिंग कैसे लगाऊं और बेस कैसे, सोचते रह जाओगे। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, कॉन्टेक्टर बाहर आ गया है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक लेयर जम गया है, इसी के कारण दोनों का कॉन्टेक्ट ठीक से नहीं हो पा रहा था। इसको सैंड पेपर से अच्छे से साफ करते हैं, साथ ही साथ कॉइल साइड यहाँ पर कॉन्टेक्टर झूला चिपकता है उसको भी अच्छे से साफ करते हैं। इसके अलावा इसकी पत्तियों में अगर कार्बन जम गया हो तो उसे भी साफ करके वापस फिट करते हैं। याद रखें, इसके कॉन्टेक्टर झूला में किसी भी प्रकार का लुब्रिकेंट जैसे कि ग्रीस या ऑयल वगैरह ना लगाएं, नहीं तो कुछ दिन बाद यही सूख कर एक लेयर बन जाएगा और फिर आवाज़ करने लग जाएगा। इतना करने के बाद स्टार्टर मौन धारण कर लेगा। इसके बाद भी शांत ना हो तो आपके स्टार्टर में एक और प्रॉब्लम है। जब भी स्टार्टर की रिपेयरिंग करते हैं या स्टार्टर के किसी पार्ट को चेंज करते हैं, उसके बाद तेज आवाज़ आना शुरू हो, तो ऐसी स्थिति में पावर सप्लाई पूरा बंद करके स्टार्टर के कॉन्टेक्टर झूला को धीरे धीरे हाथों से ऊपर की ओर ले जाने पर जब कॉन्टेक्टर पूरी तरह से चिपक जाए, उस टाइम नोटिस कीजिए इसकी सभी पत्तियाँ नीचे की ओर कितना दब रही है। अगर पत्तियाँ लगभग 1.5 mm से ज़्यादा दब रही है तो तेज आवाज़ आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें लगा हुआ यह स्प्रिंग अत्यधिक दबाव के कारण वापस नीचे धकेलने की कोशिश करता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर पत्तियाँ ज़्यादा दब रही है तो इसको कम कैसे किया जाए। अब ध्यान से देखिए, स्टार्टर के इस बेस और कॉन्टेक्टर को, इन दोनों के बीच में यह पैकिंग लगा हुआ है, और पैकिंग की मोटाई को बढ़ाने पर कॉन्टेक्टर नीचे की ओर आएगा और पत्तियों को ऊपर जाने के लिए जगह मिल जाएगा, जिससे पत्तियाँ नीचे की ओर अत्यधिक दबाव नहीं बना पाएगी। इसीलिए कॉन्टेक्टर और मैग्नेटिक कॉइल अच्छे से चिपक कर चलेगा और स्टार्टर से तेज आवाज़ आना बंद हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, पैकिंग कौन सा और कहां से और कैसे लाएं? तो ध्यान से देखिए, इसको खोलकर दिखा रहा हूं। ये है इसका पैकिंग। अगर ऐसे ही दूसरा पैकिंग मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फाइबर या प्लास्टिक सीट को इसी साइज में काटकर ऐसा ही डिजाइन बनाकर पैकिंग की मोटाई को बढ़ा सकते हैं। स्टार्टर में पहले कोई भी पैकिंग ना हो तो इस बेस को ध्यान से देखिए, इसके नीचे साइड से लंबाई चौड़ाई और होल का नाप लेके ऐसा ही बना सकते हो। इतना करने के बाद स्टार्टर पूरी तरह से मौन धारण कर लेगा। इसके बाद भी आवाज़ आए तो सिर्फ और सिर्फ दो छोटे छोटे चीज़ों के कारण से आवाज़ आ सकता है। पहला तो ये कि वोल्टेज डाउन होगा तो कॉइल में वीक मैग्नेट बनेगा, और दूसरा क्वाइल कमजोर होगा तो भी क्वाइल में वीक मैग्नेट बनेगा। अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, मैं गारंटी देता हूँ आपकी स्टार्टर का ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।